वक्त से पहले हादसों से लड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। बाज लहजों की तपिश से हम खुद को जितना भी बचाने की कोशिश कर लें, आखिर झुलस ही जाते हैं, हम भस्म हो जाते हैं। तुमने मुझे इस तरह से उजाड़ा है कि दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी मुझ में भर दो तो भी मैं स्याह ही रहूँगी अपने बख्त की तरह। इतने दुखों से वास्ता पड़ा, इतनी अजियतें सही कि अब कुछ महसूस नहीं होता, जितनी बड़ी चोट लगे तकलीफ नहीं होती। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है, और फिर मर्द की झूठी मोहब्बत औरत को ताउम्र खून के आंसू रुलाती है। कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं जिंदगी की किताब में, लाख चाहने के बावजूद उनका इख्तिताम समझ नहीं आता। शायद वो नामुकम्मल किस्से हमारी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए अधूरे रह जाते हैं, मगर ना जाने क्यों हम बार बार उस अधूरी कहानी को मुकम्मल होने की आस लगा लेते हैं। हम क्यों जिंदगी की पूरी किताब को छोड़कर उस अधूरी कहानी से निकल नहीं पाते। ला हासिल चांद के पीछे भागने वालों के कदमों से जब जमीन सरकती है तो पहला जख्म रूह पे लगता है, और वो जख्म गहरा हो या ना हो असर हमेशा के लिए छोड़ जाता है। मैंने देखा है जब वक्त हार जाए तो इंसान कभी ना खत्म होने वाले रोग पाल लेता है, ऐसे रोग जो ना जीने के काबिल छोड़ते हैं ना ही मरने के लायक। मर्द अपनी दो चीजें पकड़ने नहीं देता, वरना वो आपको छोड़ देगा, पहली अपनी कमजोरी, दूसरी अपना माजी। उस शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है ना, जिसने खुद को तुम्हारे सपुर्द किया हो और आखिर में तुम उससे बेजार हो जाओ, तंग आ जाओ, रब्ता ख़त्म कर लो और आखिर में बोलो मुझे आज़ाद कर दो।